उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच में पर्यावरण दिवस के प्रति संजीदगी भरी कविताओं को साथ लेकर राष्ट्रीय जलवायु सेना उत्तर प्रदेश ने जनपद के मोतीपुर स्थित नेचर ट्रेल में जलवायु संगोष्ठी का आयोजन किया। वहीं विश्व में जलवायु के बिगड़ते संतुलन और वैश्विक कोरोना महामारी के चलते हुई मौतों ने पर्यावरण के दुश्मनों को सीधा सबक सिखाया है। ऐसे में विश्व पर्यावरण दिवस का वैश्विक आयोजन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण पर्यावरण विदों द्वारा मोतीपुर रेंज के नेचर ट्रेल में पर्यावरण दिवस मनाया गया। वहीं यह पर्यावरण दिवस मनुष्यों को यह सीख देकर गया कि विगत कुछ समय से लोगों ने ऑक्सीजन गैस के लिए सिर्फ भारत में अरबों रुपए खर्च कर दिए। वहीं संगोष्ठी की अध्यक्षता करते हुए मास्टर रशीद साहब ने कहा, तेरे आंगन में आना चाहते हैं परिंदे अबोदाना चाहते हैं, ये वो गुल हैं जो मुरझाने से पहले चमन में मुस्कुराना चाहते हैं। इधर पेड़ों को काटे जा रहे हैं उधर मौसम भी सुहाना चाहते हैं। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रमेश चंद ने सभी को पर्यावरण दिवस का महत्व बताया तथा पर्यावरण के लिए कार्य करने वाले वन कर्मी और सामाजिक लोगों को प्रशस्ति पत्र देकर उत्साहित भी किया। वहीं पत्रकारों को डायरी और पेन भी दिया गया। साथ ही राज्य पुरस्कार प्राप्त दिव्यांगज मिथिलेश जायसवाल को गौरैया संरक्षण के प्रति उत्साह को देखते हुए विशेष सम्मान दिया गया। अंत में वृक्षारोपण कार्यक्रम करते हुए संगोष्ठी का समापन किया गया। अखंड भारत न्यूज के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।